आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग साइंसेज FOECS के सभागार में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसलिंग IIC के तत्वाधान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR पर एक दिवसीय कार्यशाला का यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मुद्गल, कॉलेज के निदेशक प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी, कार्यशाला की रिसोर्स पर्सन और भारत सरकार की रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट मिस पूजा कुमार, मिस साक्षी, HOD डॉक्टर आशेंद्र सक्सेना, डॉक्टर शंभु भारद्वाज, कार्यशाला संयोजक श्री प्रदीप कुमार वर्मा और श्री आशीष विश्नोई आदि मौजूद रहे। Look for new ways and means of doing something better and better than every opportunity available. Thank you so much. Again, my heart is very grateful. Director of FOECS, Professor R.K. Dwivedi. So now I would like to request Professor R.K. Dwivedi to please come up and enlighten us with his valuable words. Thank you. Respected Honorable Vice Chancellor Professor Mudgal, architect of, as both institutions, now we are leading it one in fact, have performed really well in the ranking of Innovation Council given by MHRD. So, on that MHRD criteria, spreading awareness related to the intellectual property, युवाओं में स्टार्टअप को लेके एक जागृति पैदा करना इस काउंसिल का मुख्य ध्येय और उद्देश्य है। उसी के तहत वो पेटेंटिंग के लायक है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी उन्होंने दिया और फैकल्टी मेंबर्स ने भी ये समझने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ें कॉपीराइट के तहत आएंगी, कौन सी चीज़ें पेटेंटिंग के तहत आएंगी, कौन सी उनकी चीज़ें जो हैं वो इनोवेशन की कैटेगरी में आएंगी, कौन सी चीज़ें पब्लिकेशन की कैटेगरी में आएंगी। इन सब पर एक विधिवत जानकारी जो है वो मैडम पूजा कुमार और मैडम साक्षी सिंह ने दिया।